बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी हरजोत कौर से कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा ने सरकार द्वारा फ्री में सैनिटरी पैड देने की बात कही थी, जिस पर आईएएस अधिकारी ने अजीब बयान देते हुए कहा था कि ऐसे तो कल फ्री में निरोध भी फ्री में देना होगा। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद भारी फजीहत के बीच अब आईएएस अधिकारी ने पत्र लिखकर माफी मांग ली है। इस बीच उस छात्रा का बयान सामने आया है। उसका कहना है कि मैंने कोई गलत सवाल नहीं पूछा था, के लिए बात किया था, मैंने खुद के लिए नहीं बोला था। तो मैडम ने जिस तरीके से जवाब दिया कि आज ये मांग रही हो, कल वो मांगोगी, परसों वो मांगोगी, तो आप लोग को दुख भी हुआ? नहीं, नहीं बुरा लगा, हम लोग को लगना भी नहीं चाहिए। वो हम लोग यहाँ झगड़ा करने नहीं गए थे, अपना बात को वहाँ पे हम लोग रखने गए थे। आईएएस अफसर और छात्रा के बीच सवाल जवाब का वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा। इसके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया। मामले को तूल पकड़ता देख महिला आईएएस हरजोत कौर ने पत्र लिखकर माफी मांग ली है। इस बीच जिस छात्रा ने यह सवाल पूछा था वो सामने आई, उसका नाम रिया कुमारी है। रिया का कहना है कि मेरा सवाल सैनिटरी पैड को लेकर गलत नहीं था, वे कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं खरीद सकती हूँ, लेकिन कई लड़कियाँ जो झोपड़ियों में रहती हैं, वह इस खर्च को वहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी लड़कियों के लिए सवाल पूछा था। हम वहाँ अपनी चिंता रखने के लिए गए थे, लड़ने के लिए नहीं। गौरतलब है कि महिला आईएएस और बच्ची के सवाल जवाब का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में एक कार्यक्रम के दौरान महिला विकास निगम की प्रबंधन निर्देशक हरजोत कौर से एक बच्ची से सवाल पूछा था, जैसे सरकारी पोशाक और अन्य सुविधाएं देती हैं, क्या वैसे ही फ्री में सैनिटरी पैड नहीं दे सकती? इस पर हरजोत कौर की तरफ से अटपटा जवाब दिया गया। उन्होंने कहा था कि सरकार से 20-30 रुपए के सैनिटरी पैड की मांग है, आगे परिवार नियोजन की बात आने पर क्या निरोध भी देना होगा? आपके इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। देखते रहिए UV India News।